रामलाल। और रामलाल तो पैसा बर्बाद हो गए, घर में लूटपाट हो गए, बकायदा चोर आया आधी रात को, सब कुछ चुरा कर चले गए। लगभग पैसा 5 लाख रुपए की चोरी बता रहे थे, और बकायदा पैसा 15,000 पर नगद वह चले गए। सोना चांदी के जेवरात थे, पूछो ना भैया कुछ नहीं छोड़ा चोरों ने। देखो भाई सब देखो, बाराबंकी जिले में एक बार फिर से चोरों का आतंक देखने को मिला। हमारा तो भाई सब कलेजा भयभीत हो गया कि देखो भैया देखो पुलिस कब कार्रवाई करेगी। वैसे वैसा मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद के बकायदा नगर कोतवाली क्षेत्र के केवाड़ी गाँव का, और काफा समेदाबाद के नजदीक ही पड़ता है। मोहम्मदपुर चौकी में एप्लीकेशन भी दी गई है। ऐसा मैं सब राम लाल का बता रहे थे, सुनिए जरा। दादा का नाम लिखे तो आप? रामलाल। कौन सा गांव पड़ता है ये? केवाड़ी। थाना कौन सा पड़ता है? बाराबंकी। और चौकी? मोहम्मदपुर। कहाँ घटना घटी है? चोरी हो गई। कितने की चोरी है? लगभग 5 लाख रुपए का सामान गया। का कहाँ रहा है? सब सोने का रहा है, कुछ चांदी का रहा है, और लौट गया नगद रुपया रहा है। नगद रुपया कितने रहा? 15,000 रुपया। पहले भी घटना घटी कि आज पहली बार? आज पहली बार। को रहा है घर पर? घर पर बिटिया रहा है, दमान रहा है, बहुत पता रहा है, हम रही रहा है। तहरीर कहीं दिए हो? प्रार्थना पत्र कहीं दिया है? हाँ, पुलिस चौकी पर। कहाँ कोई आवा रहा है देखे? हाँ, पुलिस वाले आए रहे हैं। को आ रहा है? अरे पुलिस वाले अब जाने थे, अभी उतना जाने थे कि को आए को ना आए, पुलिस वाले 3 आए। तो का चीजें रहे बता सको? तो नहीं अत्ता कहाँ खरीदा, अब जो कुछ है बहुरिया खरीदा, मेहरुआ खरीदा, बता सके बिटिया के 5-6 धान ये और रहा है सोने के। लगभग अंदाजा कितना आप लगा रहे? अरे अंदाजा मान के चलो 5 लाख से कम नहीं रहा। सब ले गए चोर? सब ले गए। तो लो भैया बकायदा बस, अब एक नहीं दो नहीं, सीधे भाई साहब 5 लाख रुपए की चोरी हो गई। अब भाई साहब पुलिस ना जाने कब कार्रवाई करेगी, ना जाने कब एक्शन में दिखेगी। पर भाई साहब देखो देखो, एक बार फिर से बाराबंकी जनपद में चोरी की बड़ी घटना देखने को मिली, और बकायदा चोरों ने भाई साहब इस घटना को अंजाम भी दिया। पर फिलहाल बाराबंकी जनपद से उत्तर प्रदेश के लिए शिवम सिंह के साथ विकास रिपोर्ट। इस तरह की दमदार खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना कदम भूल गया।